रोजगार सृजन को लेकर उठाए गए कमलनाथ सरकार के कदम का असर अब दिखने लगा है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में दिसंबर 2018 से लेकर अब तक 40% बेरोजगारी घटी है। प्रदेश में घट रही बेरोजगारी और झाबुआ उपचुनाव में हो रहे मतदान को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएमआईई की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो 40% कांग्रेस सरकार आने के बाद घटी है, क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का काम करने का तरीका और उनके प्रति जो विश्वास है, जो एक बार बार कहते हैं कि कोई भी निवेश आमंत्रण से नहीं आता, आकर्षण से आता है, और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रति आकर्षण है, लोगों का विश्वास है, वो कहते हैं विश्वास से आता है, तो मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री मनोहर एक विश्वास पैदा हो गया तो निवेश आ रहे हैं और रोजगार पैदा हो रहे हैं। मैग्नीफिशेंट मध्य प्रदेश में करीब 10 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, टाटा बिरला जितने भी थे, ने कहा कि 3 मिनट में फैसला कर लेते हैं, सीईओ की तरह काम करते हैं, कोई मुख्यमंत्री की तरह नहीं, और हम पीछे रह जाते हैं, इनके डिस्पोजल पहले हो जाते हैं। तो जब ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो खुद कॉरपोरेट है, जिन्हें भोपाल में हिंदुस्तान के सभी एयरपोर्ट से जोड़ दिया, इंदौर को दुबई से जोड़ दिया, तो जब ऐसा मुख्यमंत्री मिला है तो निश्चित तौर पर निवेश आ रहा है। 10 महीने के अंदर इन्हें 40% कमी आ गई बेरोजगारी में, और अगले 4 साल में 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा जो निवेश आएगा। और ऐसा नहीं हो कि 5 साल में ये करना पड़े कि भैया कम पड़ रहे हैं, बाहर के बुलाओ, जो आपके रिश्तेदार यूपी राजस्थान के उनको ही बुलाओ। वैसा लग रहा है ये आगाज है, पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया, यही कारण था कि बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार नहीं दिया, कभी रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री का जो पूरा कंसंट्रेशन है रोजगार के प्रति, और छिंदवाड़ा मॉडल है क्या? छिंदवाड़ा में हर तरह का विकास हुआ, इंडस्ट्री आई सब हुआ, लेकिन वहाँ एक भी युवक या युवती बेरोजगार नहीं है, और यही मॉडल जाबुआ